बात आती है कि हनुमान जी महाराज जब विदा हुए तो हनुमान जी महाराज के साथ प्रभु राम जी ने कोई विशेष चर्चा नहीं की, सिर्फ मुद्रिका दी और आशीर्वाद दिया, कोई मैसेज चिट्ठी विट्ठी वगैरह कुछ नहीं दिया। यहां हनुमान जी महाराज भगवान का संदेशा सुनाते हैं कि हनुमान जी महाराज अविवाहित है, ब्रह्मचारी है, दाम्पत्य क्या होता है उसको पता नहीं है, विरह क्या होता है उसको पता नहीं है, और प्रेम क्या होता है वो भी पता नहीं है, पति पत्नी के बीच का क्या भाव होता है वो हनुमान जी महाराज को नहीं मालूम है। मगर यहां हनुमान जी महाराज तत्व प्रेम की बात करते हैं, प्रेम तत्व की। सुंदरकांड की मुझे हनुमान जी और सीता जी का संवाद है, मुझे बहुत पसंद आता। रघुपति का संदेश सुनो, अब सुनो जननी खरी थी, ए जननी है मां, भगवान राम ने मुझे संदेश, मेरे साथ संदेश भेजा है, तू सुन ले। अस कही कपी गदगद हुई, अभी संदेश सुनाया नहीं उससे पहले कपी रोने लगा, भयो भरे विलोचन, उसकी आंख से सावन बादल बहने लगा। कहे राम वियोग तब सीता, मो कहु सकल भये विपरीता। ए भगवती सीताम्बा, आपके वियोग में प्रभु राम को जो अनुकूल पदार्थ थे, जो अनुकूल परिस्थितियां थी, वो सब विपरीत हो गई। जिसको देखकर प्रभु राम मुस्कुराते थे, आज उसको देखकर प्रभु राम रो रहे हैं। यार परिस्थितियां विपरीत हो जाती है, हृदय में दुख होता है, किसी पात्र के प्रति अनुराग होता है, उसको स्मरण करते हैं, हृदय में भाव आता है, उसको मिस करते हैं, तो कितना भी सुंदर नजारा क्यों ना हो, मगर वो सुंदर नजारे में से भी हमको दुख निकल जाता है। कोई भजन चला जाता है और याद आता है, तो कितना भी माहौल क्यों अच्छा ना हो, एंटार्क्टिका गए हो, क्रूज में हो, मगर दुख की क्षण आती है तो आपके सभी अनुकूल पदार्थ, अनुकूल स्थिति भी आपको दुख देती है। हनुमान जी महाराज कहते हैं कि मोह कहूं सकल भये विपरीता, नव करो किसलय मनह मनहु कसानु काल निशा सम निशि शशि भा। वृक्ष में जब नए नए कोमल पर्ण फूटते थे तो सीताराम आप देखकर कितने प्रसन्न होते थे, मगर आज वही पर्ण को देखकर प्रभु राम आपको याद करते हो, दुखी हो। ये प्रेम तत्व है, काल निशा सम निशि शशि भा। रात्रि काल के समान और चंद्रमा जैसे उनमें से विष छोड़ रहा है, ऐसी प्रभु अनुभूति कर रहे हैं। कुबलय विपिन कुंत बन सरिसा, कमल के वन, कमल के तालाब में चांदनी जब गिरती है तो उसके पानी का जो प्रवाह होता है या उसकी तरंग बनती है, और चंद्रमा जो हिलता है उसको देखकर प्रभु राम को ऐसा लगता है कि जैसे तेल उगल रहा है। जे हित रहे करते ही पीड़ा, जो हित करने वाले थे वही सब प्रभु राम को आज पीड़ा दे रहे। उड़क श्वास समते विद शरीरा समीरा, जो शीतल और मंद मंद वायु को प्रभु राम को जो आनंद देता था, उस वायु आज जैसे सर्प के मुख से निकला हुआ विश्वास उड़क श्वास समते विद समीरा, सर्प के मुख से निकला हुआ जहरी वायु हो, ऐसा प्रभु को लग रहा है। कहे उदय कछ दुख कट जाई, काहे कहो ये न जान काई, कहने से कभी दुख नहीं खत्म होता है, और कई बार अपने लोगों से कहने से दुख खत्म हो जाता है। मगर हे पार्वती, प्रभु राम ने कहा है कि तत्व प्रेम कर मम अरु तोड़ा, भगवती को बोलना कि मेरे और तेरे बीच में जो प्रेम तत्व है,
तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजान। वो कोई नहीं जानता है, सिर्फ मैं जानता हूं। तब तो प्रेम करमम अरुतोरा जानत प्रिया एक मन मोरा। दुखी व्यक्ति ही दुख को समझ सकता है, बगल में बैठा कितना उसकी संबंधी नहीं क्यों ना हो, मगर हमारे मन का विषाद बगल वाला नहीं जान सकता है। प्रभु राम ने कहा कि भगवती तू और मैं ही ये तत्व प्रेम हमारा वियोग हमारा दुख हम जानते हैं। और रही बात मन की तो सोमन सदा रहत को ही पाए। प्रभु राम ने कहा कि भगवती मेरा मन तो मेरे पास है ही नहीं, मेरे मन का तो जानकी अम्बा तूने कब्जा करके रखा। सो मन सदा रहत तो ही पाए जान प्रति रस इतने ही माए। बस इतने में आप समझ लीजिए प्रभु संदेश सुनत भाई दे ही मगन प्रेम तन सुधि नहीं दे। भगवती प्रभु राम का संदेश सुनकर प्रेम मग्न हुई और तन की शुद्धि चली गई, शरीर का भान ने अद्भुत संदेश सुना। कह कपिल गई धीर धरु माता। अब कपिल ने कहा कि मां धैर्य रखी, उतावली मत हो जाए। और दुख में सबसे उत्तम रास्ता हनुमान जी कहते हैं मां जगदम्बा, कह कपिल हृदय धीर धरु माता। कथा धीरज और स्मरण ये दुख के तीन सरल मार्ग हैं। इधर उधर भटकेंगे तो दुख में से दुख निकलेगा। कथा का आश्रय करें, श्रवणामृत का आश्रय करें, थोड़ा धैर्य रखें और स्मरण शुरू रखें। सुमिरि राम सेवक सुखदा। सुमिरन करें, स्मरण करें राम का, स्मरण करें क्योंकि वो सुखदाता है। उर आने हु रघुपति प्रभुताई सुनि मम वचन तजहु कदराई। कदराई कदराई का अर्थ है कायरता। मां तू तो भगवती है, जनक की पुत्री है, मगर फिर भी आप वन में चली आई। मां तो कायर नहीं है, तुम्हें कायरता छोड़ दे। आचार्य तुलसी लिखते हैं निशिचरण कर पतंग सन रघुपति बान प्रसान जननि हृदय धीर धरु जर निशाचर तन जो रघुबीर होति सुधि पाई करते नहीं विलंब रघुनाथ राम बाण रवि कुहे जानकी तम भरोस कहु जातु अब ही मां तुम्हें जाऊ लवाई प्रभु आयत राम दुहाई कछु कछि बस जननी डरु दीन कपिल सहित अहि रघुबीरा निज चर मारी तोरि ले गयु सिंहपुर नाद लाज जस गयु हे सुत कपि सब तुमहि समान जातु दान अति बस बलवान मोरे हृदय परम संदे सुनि कपि प्रगट किन निज देह कनक भूतरा तार सरी समर भयंकर अति बल बीरा सीता मन भरोस सब भयो कुनि लघु रूप पवन सुत दयो मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु मंगल भवन अमंगल हारी जपत निरंतर। आचार्य तुलसी कहते हैं हनुमान जी महाराज भगवती को धैर्य देते हैं कि भगवती आप धीरज धरे निश्चर निकर पतंग सम रघुपति बाण प्रसाद ये सब निश्चर है भगवती आप चिंता न कर ये सब पतंग के जैसे है और रघुनाथ जी का बाण है वो अग्नि समान है। हृदय में धैर्य धारण कीजिए, ये राक्षस जल गए समझो। जननी हृदय धीर धरो जरे निशासर जान समझो सलग जाएंगे आप चिंता मत करो। मगर मां तू चिंता कर रही है कि रघुवीर क्यों नहीं आए,
मगर माँ भगवान को पता नहीं था कि आप यहां पर हैं। ये तो संपाति गिद्ध ने बताया तो मैं यहां चला आया। जो रघुवीर होती सोती पाई, जो रघुवीर को पता होता करते नहीं विलंब रघुराय। माँ कब के आ चुके होते मगर हमको पता नहीं था। राम बाण रवि उवे जान की, तम बहुत कह जातु तान की। अब समझ लीजिए कि राम के बाण का उदय हो गया, राम रूपी सूर्य का उदय हो गया है और अंधकार रूपी ये राक्षस की सेना का हटना मरना निश्चित है। मगर अभी मैं जाऊंगा, प्रभु राम को बोलूंगा, पूरा एड्रेस बताऊंगा। अब ही मातु में जाऊं लवाई, प्रभु आयो सुन नहीं राम दुहाई। अब हम जाएंगे प्रभु राम को लेके आएंगे, तब तक तू थोड़े दिन मां धैर्य धरना, कछु कर दिवस थोड़े दिन की बात है। अब गए यूं गए और यूं आए, कछु कर दिवस जननी दरु धीरा, कपिन सहित अही रघुवीरा। वानरों की सेना के साथ रघुवीर आएंगे और निशिचर मारी तो ही ले जय हो, तिहुपुर नाद दादी जस गए हो। इस निशिचर को राक्षसों को मार कर हे मां तुझे हम ले जाएंगे और नारद आदि बड़े बड़े मुनि इस गाथा का वर्णन करेंगे, जय घोष करेंगे। अब सीता अम्बा नाराज होगी, बेटा आपको नहीं आना। और प्रभु राम को क्या हो गया, इतने ज्ञानी इतने विलक्षण है। और प्रभु राम ने आप कहते हैं कि बड़ी सेना बनाई, वो सेना वानर की है, तो कहा तो वानर को लेके राम आएंगे और निशाचर को मार देंगे, तो कहा मेरे जैसे सब वानर हैं। तो सीता ने पूछा कि सब तेरे जैसे हैं, हे सुत कपि सब तुम ही समाना, क्या सब वानर तेरे जैसे हैं? यहां तो हनुमान जी महाराज छोटे लघु रूप में आए हैं कि आप कहते हैं कि मेरे जैसे वानर है, तो हे सुत कपि सब तुम ही समाना, राम ने ऐसे छोटे छोटे बंदर एकत्र किए, तो बेटा आप कभी मत मानना, क्योंकि जातु दान अति भट बलवान। बेटा आपको सीधे राक्षस लोग खा जाएंगे, आपका नाश्ता हो जाएगा। यहां के जातु दान अति भट बलवान है, आप अपने आप की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, मेरा जो होना है वो होगा, मगर बेटा आप लोग मोरे हृदय परम संदेहा, सुने कपि प्रगट किन निज देहा। हनुमान जी महाराज सोचे कि मेरे होते हुए मेरी मां के हृदय में संदेह आए, मेरे जीने का क्या अर्थ। हे मां तुझे संदेह हो रहा है कि प्रभु राम ने जो बंदर एकत्रित किए वो मेरे जैसे, मगर मुझे देख ले मां। कनक भुदरा कार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। सम्रांगण में शत्रु को भय दिखाने वाला अद्भुत शरीर, धड़धड़ता हुआ रौद्र स्वरूप। मां ने देखा, मां को संतोष हुआ। कनक भोदरा काल शरीरा, समर भयंकर अति बल वीरा। इस विराट हनुमान जी को देखकर मां की छाती गदगद फूलने लगी, है बेटा आप धन्य हो। सीता मन भरोस तब भय हो, अब मां को भरोसा हो गया, विश्वास हो गया। पुनि लघु रूप पवन सुत लेहु, प्रभु राम प्रभु हनुमान जी लघु रूप धारण करते हुए सीता के सम्मुख बैठ गए।
अब तुलसी लिखते हैं, सुन माता शाखा मृद नहीं बल बुद्धि विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़ ही खाई परम लघु ज्ञान, मन संतोष सुनत गति बानी भगति कथा तेज बलशाली, आशीष दीन राम ओ तात बल शील निदाना, अजर अमर गुण निधि सुतहु करहु बहुत रघुनायक चो, करहु कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मदन हनुमान, बार बार नाहि पद सीसा, बोला बचन चोरी कर सीसा, अब कृत कृत्य भयउ में माता, आशीष तव अमोघ विख्याता, सुनहु मातु मोहि अतिशय भूखा, लागि देखि सुन्दर।